हेलो फ्रेंड्स, मैं रूबी आनंद। फटाफट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढाबे स्टाइल में चिली पनीर। चलिए इसे बनाते हैं। चिली पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं 250 ग्राम पनीर लूँगी, जिसे काट लिया है, और अरारोट है 2 बड़े चम्मच। ये चिली सॉस और टमाटो सॉस 2-2 चम्मच मिक्स है, सोया सॉस 2 चम्मच, मैदा 2 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, अजीनोमोटो और काली मिर्च, और ये है 1 शिमला मिर्च, इसको काट लिया, और 4 प्याज मीडियम साइज के उसको भी काट लिया, लहसुन 4 हरी मिर्च। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले घोल बनाते हैं। अरारोट डालेंगे, मैदा डालेंगे और काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, सोया सॉस और पानी। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये घोल अब तैयार हो चुका है, ये बिल्कुल हो गया। अब एक तरफ तेल गरम कर ले रहे हैं। देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है, इसमें पनीर डालेंगे, इसको डालेंगे। फ्रेंड्स, इसको बहुत तेज आंच में फ्राई करना है, 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब ये मेरा हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे हरी मिर्च, अब डालेंगे प्याज। प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसको गलाने में। ये चिली पनीर के लिए मेरा प्याज हो गया है, अब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और लहसुन। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च और लहसुन डालने के बाद बस 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, ये सॉस, रेड चिली सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, अजीनोमोटो और काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे ये जो मैंने पकौड़ी तलने के लिए बनाया था, इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। अब ये हो गया, अब इसमें डालेंगे पनीर और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। ये मेरा चिली पनीर बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, मेरा चिली पनीर बनके तैयार हो गया है, इसको ट्राई जरूर करें। पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए, शेयर भी करिए।